ज्वेलर्स LLP 100% रिसेल गारंटी के साथ 916 BIS हॉलमार्क सोने और चांदी के जेवरात का वाहिद मरकज, अरबी और तुर्की के डिजाइनों के नए कलेक्शन, तक्वा ज्वेलर्स LLP, थिंक गोल्ड थिंक तक्वा, खालिस जेवरात हमारी पहचान। हम औरतें यहाँ स्टेज पर जो है, हम जब ज्वेलरी लेने जाती है तो दुकान का नाम और ब्रांड नहीं देखते, बेचने वाले को ज्यादा पहचानते हैं। तो ये पूरा काम विश्वास का काम है और ये सातवीं दुकान खुल रही है, मतलब आपका बहुत अच्छा काम है। अभी मैं जितेंद्र का फोटो यहाँ देख रही थी तो मैंने जितेंद्र को फोन लगा, पूछा तुम क्यों नहीं आए यहाँ। तो जितेंद्र का काम है, औरंगाबाद में पार्टी के काम में फंस गया था, लेकिन ताई है, बाहर के नहीं अपने घर के लोग हैं, तो मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं दीजिए। तो जितेंद्र आवाज और मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से घर का अच्छा प्रोग्राम आज हो रहा है और यहाँ ज्वेलरी की बहुत अच्छी दुकान जो अलग अलग डिज़ाइन है। रमेश अपा सोच रहे थे उनकी वाइफ के लिए कुछ लेके जाए, पर डिज़ाइन इतने फैशनेबल थी कि आपका बोले अभी मैं क्या करूँ, मतलब भाभी को लेके साथ में आइए, आप कुछ गलत चीज़ लेके जाएंगे यहाँ से, फिर से डांट पड़ेगी आपा को क्योंकि आप क्या लाया। तो इस हिसाब से आप खुद का चॉइस करके लाइए। तो आपको अगले हफ्ते आने वाली है भाभी को लेके, भैया बोल के रखना दुकान में। पर ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ज्वेलरी भी लेते हैं तो वापस करने जब औरतें आती है, एक तो किसी औरत को उसको ज्वेलरी वापस करना अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा डिस्ट्रेस सेल होता है अगर बेचे तो। और डिस्ट्रेस कब होता है, जब आदमी तकलीफ में होता है, जब तकलीफ में होगा उस ऊपर आप 25% उसका पैसा काटेंगे तो बेचारा आदमी गरीब है, इसलिए वो एक्सचेंज कर रहा है। तो उस हिसाब में आप 100% वापस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सबने उनके लिए ताली बजाते थे, एक बार जांच देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई ज्वेलर ऐसा, मुझे तो मुंबई में पता है, जो 100% ऐसा वापस करता है। तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं, एक रिश्ता होता है ज्वेलर के साथ। घर में कुछ भी छोटा बड़ा हो और जिस घर में लड़की या बहू आने वाली हो, हर एक का ज्वेलर ये फैमिली मेम्बर होता है। क्योंकि अच्छे दिन जो भी हो, बुरे दिन आप हमेशा याद रखते हैं, अच्छे दिन में कुछ लेने के लिए और बुरे दिन में एक विश्वास है जिसके साथ हम आप ज्वेलरी रख सकते हैं। तो ज्वेलर का फैमिली का हमेशा एक अच्छा प्यार का रिश्ता होता है। और आप यहाँ इतने लड़कों को कुछ अच्छा काम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज आप देख रहे, कहीं भी जाओ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है। शिक्षा है लेकिन बच्चों में सीखने की, मेहनत करने की इच्छा है लेकिन हाथ को काम नहीं मिल रहा है। और आपके ऐसे सात दुकानों से बहुत सारे हमारे लड़के होंगे, बेटे होंगे जिनको काम, हाँ 132 एम्प्लॉयज है। आप सोचिए 132 लोगों के घर में चूल्हा आपके कारण जलता है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं। और मैं बाकी सारों का, जो दीदी ने मेरा ट्रिपल तलाक के बारे में आपने जो कहा, आपने तो पूरा मेरा भाषण ही सुना है। और मैं हमेशा सबको कहती हूँ, जो हर एक का विश्वास जो होता है वो अपने घर में, गवर्नेंस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पर्सनल रिलीजन। आप रास्ता बनाओ, बिजली दो, ट्रैफिक का सुधारो, पोल्यूशन कम करो, लेकिन मैं किस मंदिर में जाऊँ, मस्जिद में कहनूँ, क्या पहनूँ, क्या खाऊँ, कितने बजे जाओ, दिस इज़ नॉट गवर्नमेंट इशू। जो गवर्नमेंट ने सिर्फ लेजिस्लेशन करना चाहिए। और ये जब सारे जो इश्यूज़ हैं वो सेंसिटिव है। और कुरान में जो भी मैंने थोड़ा पढ़ा और सबसे सीखा है, ट्रिपल तलाक तो कोई करता ही नहीं हो, करता है तो भी अभी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है जो है ही नहीं, उसके लिए किसी बंदे को जेल में डालना, ये पूरी तरह गलत है। मैं पार्लियामेंट में भी कह रही थी, पहले सात साल का था, अभी 3 साल का उन्होंने किया है। लेकिन मैं भी किसी की बीवी हूँ और बच्चों की माँ हूँ, कोई भी औरत पति कैसा भी हो उसको कभी भी जेल में नहीं डालेंगे, क्योंकि उनका वो बच्चों का बाप है, फादर है, पिता है। इसलिए ये जो पूरा ट्रिपल तलाक का जो भी डिबेट हुआ उसके खिलाफ़ हम सब थे। और मेरा कहना है, परे सबरीमाला में आप, सबरीमाला में आप जाना चाहे न जाना चाहे, ट्रिपल तलाक और जो भी है, सारे सेंसिटिव इश्यूज है। और हर कौम ने उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना है। अभी मैं साड़ी पहनती हूँ, ये मुझे लगता है ठीक है, आप बुरखा पहनती है तो आपका चॉइस है। और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि आप बुरखा को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। मैंने खुद ये देखा है, मैं औरंगाबाद में एक मौलाना आज़ाद के नाम से जकारिया फैमिली ने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया, उसकी मैं डायरेक्टर हूँ, बोर्ड के अध्यक्ष हूँ मैं।
और हमेशा हमारा बहुत सारे डिस्कशन होते हैं कि और बच्चे कैसे सीखे, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के हो, औरंगाबाद के बच्चे और बड़ा हिंदू मुस्लिम पारसी जो भी है सब साथ में वहाँ मौलाना आजाद में पढ़ते हैं। और मैं एक बार फिजिक्स लाइब्रेरी में फिजिक्स लैब में गई थी वहाँ, और दो लड़कियाँ बैठी थी जिन्होंने बुरका पहना था, और मैं उनसे बात करने लगी और मैं सोच रही थी कि भले बुरका पहने या ना पहने, उनकी आँखों में जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा, मुझे उनकी शक्ल देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनकी आँखों ने मुझे बता दिया। और जो मैंने उनसे बात की, इतनी अच्छी लड़कियाँ थी, वो अभी फिजिक्स में PhD एक लड़की कर रही है उसमें की, तो बहुत अच्छी शिक्षा हमारी लड़कियाँ भी ले रही है। इसी तरह से बुरका पहनना ना पहनना, क्या करना ये करना, ये हर एक का पर्सनल चॉइस है। अभी यहाँ भी देखिए, अभी दो हमारी बहनें बैठी है, पहली बहन आई उन्होंने बुरका पहना, इन्होंने सर ढका, इन्होंने साड़ी पहनी, हर एक के आप लोग हमें जज नहीं कर सकते। अब मेरी दादी को देखिए, तो मेरी दादी 9 yard की साड़ी पहना करती, मेरी माँ जो साड़ी पहनती है वो दोनों कंधों पे पल्लू लेती है, मेरा तो एक ही पल्लू पे होता है, और हमारी अगली जनरेशन है वो तो सलवार कमीज पहनती होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी फैमिली कल्चर नहीं, हर जनरेशन का अलग अलग क्या व्यवहार होता है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि मेरी दादी कोई आउटडेटेड थी। मेरी दादी तो हमसे भी ज़्यादा मॉडर्न थी, उन्होंने सब बच्चियों बच्चों को पढ़ाया, परदेश भेजा, इसी को तो मॉडर्न कहते हैं। तो कपड़ों से मॉडर्ननेस नहीं होता, सोच से मॉडर्न होना चाहिए। और इसीलिए मैं जब ट्रिपल तलाक का मैंने अभी जो भाषण किया, मैं मेरी एक बहन है जो औरंगाबाद में रहती है जिसका नाम किरण चाउस है, मैं उसको मोहम्मद अली रोड पर मिली थी, और मैंने मेरी कुछ की जान पहचान भी नहीं थी, उससे बुरखा पहना था, मुझे पता भी नहीं था उसका नाम किरण था। मैंने वो हजाब का जो दुकान होता है ना उसके बाहर वो खड़ी थी, मैंने ऐसी बात उसको छेड़ी कि बहन मेरा ट्रिपल तलाक का परसों भाषण है, आपको क्या लगता है ट्रिपल तलाक में मैंने क्या कहना चाहिए, पार्टी की लाइन क्या होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिपल तलाक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन तुमको पड़ता है, तो आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। जो इंग्लिश में हमको कहते हैं स्टेक होल्डर, मैं उसकी स्टेक होल्डर नहीं हूँ, लेकिन आप दोनों उसकी स्टेक होल्डर हैं, तो आपने तय करना चाहिए। हम दोनों नहीं तय कर सकते कि ट्रिपल तलाक का क्या होना, ये अधिकार आपका है। और किरण ने मुझे ऐसा कहा कि सुप्रिया टाइप ट्रिपल तलाक है ही नहीं, ऐसा होता भी नहीं, अगर भी किसी ने करे तो हमारे एक सिस्टम है जहाँ वो जो उलेमा है वो सबसे बात करते हैं, और उसका एक फैमिली ट्रेडिशन होता है, और मुस्लिम कम्युनिटी में अच्छे काउंसिलर्स भी हैं। मैंने औरंगाबाद में 3-4 काउंसिलर को मैं जानती हूँ जो मैरिज काउंसिलिंग करते हैं, और इससे वो फैमिली से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। तो इसीलिए पार्लियामेंट का काम ये नहीं है कि ट्रिपल तलाक में जेल डाले या नहीं, हमारा काम नहीं है। अगर कोई गलत काम करे, चोरी करे, खून करे, यस वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, लेकिन ये सबरीमाला ट्रिपल तलाक इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। जिसको जो करना है, जो अच्छा लगे, सब भगवान एक है, बांटने का काम हम लोग करते हैं, तो सब सारे हिंदू मुस्लिम चर्च में जाओ, कोई गलत नहीं कुछ सिखाता, सारे जो संस्कार है वो सेम ही है सबके लिए, सिर्फ अलग भाषा में आते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा डिबेट रहा, और इस सरकार ने फिर भी उसको पास कर दिया लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में अभी भी अटका हुआ। मुझे एक ही सवाल इस सरकार को पूछना था कि अगर पहला बिल राज्यसभा में अटका हुआ है तो ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत ही क्या थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इस BJP सरकार को। और ये शुरुआत है, ट्रिपल तलाक से उन्होंने एक टेस्ट करके दिया कि क्या हो सकता है, और लोगों में बंटवारा करने का एक बहुत ही गंदा काम ये सरकार करती रहती है, हर जाति धर्म में भेदभाव। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस स्कूल से मैं गई थी उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बच्चे साथ में पढ़ते थे। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जिसका अभी शादी इंटर कास्ट हो गया, जिसका नाम अनिता बोल्डे है, उसके फादर AG गनी थे, उनका नाम भुरानिया था, वो शायद सीनियर्स लोगों को चाहते थे, वो फाइट मास्टर थे हिंदी फिल्मों में, और ग्रैंड रोड में रहते, उनकी वो खुद मुस्लिम है, उनकी शादी एक क्रिश्चियन औरत से हुई, और मेरी दोस्त है उसकी शादी अभी हिंदू घर में हुई है, तो उनके घर में ईद भी होती है, क्रिसमस भी होते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, और मैं हर साल उसके घर में तीनों मनाने जाती हूँ, और इस दुनिया की सबसे अच्छी बिरयानी उसी के घर में बनती है, और उसका रेसिपी मेरे पास है, इसलिए मैं भी क्रेडिट लेती हूँ, मेरे घर में भी शायद आपकी बीवी से अच्छा बिरयानी मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो मेरा पूरा मसाला अनिता के घर से आता है। तो इस तरह हम मिलजुल के भारत में सब रहते हैं, राजी खुशी रहते हैं, यही देखो ना यहाँ कौन अलग है,
ये सिर्फ ये राजनीति करने वाले लोग ये सब करते हैं, तो हम सब ने याद रखना चाहिए कि इससे सिर्फ लेजिस्लेशन, रोटी कपड़ा मकान, नौकरी हो, बिजली हो, पानी हो, उसमें करना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं जिस पर हम विश्वास रखते हैं, उससे कोई भी सरकार हो, हमारी हो या उनकी हो, हम सब ने उससे दूर रहना चाहिए। और हर जगह में मैं जाती हूँ, आज यहाँ भी मैं पिछले हफ्ते चेन्नई गई थी, हर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मुझे आके मिल रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा ट्रिपल तलाक का भाषण, मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है कि मैं ट्रिपल तलाक का भाषण एक औरत की तरह किया, मैंने राजनीति का नहीं सोचा। अगर मैं आपकी तरह होती तो मैं क्या करती, क्योंकि मेरे भी शादी को 30 साल होने आए, मेरे भी बच्चे बड़े हो गए, मेरा हस्बैंड ऐसा करता तो मैं क्या करती, इस हिसाब से मैंने भाषण किया था। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा भी नहीं था और मुझे लगा ही नहीं था कि आपको, आप इतना उसको सुनेंगे भी, और आपने इतना अच्छा सुना और इतना मुझे प्यार दिया, तो मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना प्यार मुझे उसके बारे में दिया। मैं सिर्फ आपको एक कहना चाहती हूँ, एक बहन की तरह, एक बहन बन के मैं आप पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ बन के काम करती रहूँगी। जो अच्छा होगा वो देश के लिए हम सब अच्छा कहेंगे, लेकिन जो गलत होगा उसके लिए कितना भी झगड़ना पड़े उसके लिए पूरा आपके लिए मैं झगड़ा करूँगी और आपको न्याय मिलेगा, इसके लिए कोशिश करूँगी। आज एक बहुत अच्छे प्रोग्राम के लिए आज आना हुआ और हमारे सब गाँव के लोग यहाँ आए हैं और उनका ही बहुत आग्रह था मुझे कि यहाँ आना ही है, मुझे ऑर्डर ही था कि आना ही, इसीलिए रमेश अप्पा भी वहाँ से आप गाँव से आपके लिए आए हैं और एक बहुत हमारी सब तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ये दुकान है वो 10, 11, 12 जल्द हो, यही मैं अल्लाह को ख्वाहिश करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत नए साल की शुभकामना देते, और ये हमारे अभी तीज जो बोलते हैं, संक्रांत बोलते हैं, संक्रांत के दिन चल रहे, कभी कभी मैं थोड़ा कह लेती हूँ कि इस ईयर इलेक्शन भी है तो सभी मुठ मीठा बोलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है तेलुगु ज्ञानी गोड़ गोड़ बोला, तो पूरा साल एक दूसरे से मीठी बात करके हम राजी खुशी रहेंगे। इतनी प्रार्थना करके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद।